अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के खूबसूरत से नोवेल का नाम है हम कहाँ के सच्चे थे, जिसे बड़ी ही खूबसूरती के साथ उमैरा अहमद ने लिखा है। तो बग़ैर किसी देर के शुरू करते हैं। पता है मिशेल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूं तुम्हारा असीर कर रखा है। मेरी बात पर उसकी आँखें सितारों की तरह जगमगा उठी। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा। यह तुम्हारी ज़ाहरी खूबसूरती नहीं है, ज़ाहरी खूबसूरती बहुत देखी है और इतनी देखी है कि तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। ना तुम्हारी किसी और चीज़ ने मुझे मुतासर किया है, ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें, तुम्हारी बोल्डनेस, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मशहूर कर दिया है, क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती और खूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती हैं। मैंने ऑरेंज जूस के सिप लेते हुए कहा। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये सच्चाई मेरे लिए तो ये आम सी बात है। यू नो, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, सो मुझे इसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग नहीं होती जैसे तुम्हें हो रही हैं। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ है मुझ में, ये ख़ास बात है जो दूसरों में नहीं है। इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा ही तारीफ़ करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ मुश्किल से ही करते हैं। तुम्हें मान लेना चाहिए, बल्कि फ़ख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में, मैंने इसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी स्याह आंखें मुझ पर मरकूस किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती है मुझे तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीज़ों को तुम एडमायर करती हो उन्हें अब कहाँ एडमायर कहा जा सकता है। जिस तरह तुम झूठ से नफरत करते हो और सच का प्रचार करते रहते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का इलम लेकर फिरने से आखिर मिलता क्या है? ज़िंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज़ दफ़ा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए सच ही सब कुछ है, ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो चुका है। मैं इसकी बात पर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि यह सब कुछ तुम कह रही हो। जो खुद सच बोलने वालों के गिरोह में शामिल है और जो सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार है। बट आई लव द वे यू से दिस थिंग। अच्छी बात है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो, जो चीज़ तुम्हारे दिल में आती है कह देती हो। नहीं, आई स्वेयर, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे सिर्फ सच्चे लोग ही क्यों अच्छे लगते हैं? हालांकि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग सच बोलते हैं वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है उनके दिलों में बुगस हो, वो बनावट और तजाद का शिकार हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कम्प्लेक्स छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो और दर हकीकत उनसे बढ़कर कोई फ्रॉडी ही ना हो। मैं इसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ाई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भाई, मैं एक जनरल से बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो जाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा, इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक नहीं करता। वो मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस के सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है? वैसे ही जैसी अब तक जा रही थी, तफरी, तालीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई थी, मुझे यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन का एडिटर चुन लिया गया है, उसने एकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। दैट्स वंडरफुल, और कितने कारनामे करोगी? अब तो आदत सी हो गई है तुम्हारे मार्कों के बारे में सुनने की। मुझे हैरत होती है कि तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो। मुश्किल नहीं लगता ये सब? वो मेरी बात पर फ़ख्री अंदाज में मुस्कुराई थी। मुश्किल कैसी? टैलेंट और जज्बा होना चाहिए बंदे में,
फिर सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी मुझे तो कोशिश भी कम ही करनी पड़ती है, हर काम खुद से हो जाता है। अब ये मैगज़ीन का मामला ही ले लो, मैं ज़रा भी विलिंग नहीं थी ये ज़िम्मेदारी लेने में, क्योंकि इसमें बहुत बखेड़े होते हैं। जिसकी चीज़ पब्लिश कर दो वो खुश, बाकी नाराज़ मग। हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ने इसरार करके मुझे ये ज़िम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। अब हर जगह बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना। पहले ही लिटरेरी कौंसिल की सदर होने की वजह से इतने काम सर पर पड़े हुए थे कि अब मैगज़ीन की मुसीबत भी शामिल हो गई है। मगर खैर, करना तो है ही। टेबल पर हाथ लटकाए वो बोले जा रही थी और मैं उसे देख रहा था। और स्टडी कैसी जा रही है? कहीं ये ना हो कि इन सरगर्मियों की सारी कसर वहाँ निकल जाए। मैंने इसे छेड़ा, जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर तवक्का रखी जाए कि तुम टॉप करोगी? खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, टॉप करना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत जीनियस हैं हमारी क्लास में, वैसे भी यूनिवर्सिटी में टॉप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड व्हाट अबाउट महरीन? वो भी काफ़ी अच्छी होती थी स्टडी में, इज़न्ट शी? मुझे एकदम महरीन का ख्याल आया था। नहीं, अच्छी है वो भी मेहनती है। उसने आइसक्रीम का बाउल अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम्हारे ताल्लुकात वैसे ही हैं उससे, कोई बेहतरी नहीं हुई? मैंने आइसक्रीम का वेफर तोड़ते हुए कहा, देखो मैं तो हमेशा उससे अच्छे तरीके से ही मिलने की कोशिश करती हूँ, मगर अब वो बात करना पसंद नहीं करती तो फिर ये मेरा कसूर तो नहीं है। वैसे भी उसे बहुत से कम्प्लेक्सेस हैं, तुम्हें तो पता ही है कि उसका फिर यूनिवर्सिटी में वो बहुत फजूल बातें फैलाती फिरती है मेरे बारे में, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ। आफ्टर ऑल शी इज़ माई कज़न। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बहुत एबनॉर्मल है, हद से ज़्यादा, और फिर वो जेलस भी बहुत रहती है। हालांकि मैं यूनिवर्सिटी में उसके लिए हमेशा मौका फराहम करने की कोशिश करती हूँ, मगर जिस चीज़ में हिस्सा लेती हूँ वो कभी भी उसमें हिस्सा नहीं लेती, अवॉइड करने की कोशिश करती रहती है मुझे। और मसला ये है कि मैं तो तकरीबन हर चीज़ में ही हिस्सा लेती हूँ, और इस वजह से उसे हमेशा बैकग्राउंड में ही रहना पड़ता है। उसे क्या हो गया है? पहले तो ऐसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी बातें किया करती थी, अम्मी भी उसकी तारीफ़ करती रहती थी। अब उसे क्या हो गया है? कभी चले जाओ तो वो मुझसे बात ही नहीं करती, मैं खुद ही सलाम दुआ में पहल करता हूँ। हालांकि पहले तो अच्छी दोस्त थी हमारी, मुझे भी उसकी तरह महरीन से शिकायतें थीं। तुम्हें अवॉइड करने की वजह तो बहुत वाजे है, अब तुम्हारी मुझसे दोस्ती है, और वो ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई बंदा जो उसका दोस्त है वो मुझसे भी दोस्ती रखे। तुम्हें छोड़ने की वजह भी यही है कि अब तुम मुझसे मिलने लगे हो, बल्कि उसे हमारे पसंदीदगी का भी अंदाज़ा हो गया। उसने मुझे तफसील से कहा, अगर ये वजह है तो ये बहुत अहम काना सी बात है। आफ्टर ऑल हर शख्स को आज़ादी होती है कि वो जिससे चाहे दोस्ती करें या जिसे चाहे पसंद करें। मैं उसकी बात पर कुछ उलझ गया। छोड़ो उसके बारे में, जितना सोचोगे उतना परेशान होगे। ये बताओ कि वापस कब जा रहे हो? अभी तो एक हफ्ता और है, फिर शायद 9 या 10 को जिस दिन फ्लाइट का इंतज़ाम हो गया। मैंने आइसक्रीम खाते हुए उसे अपना शेड्यूल बताया। और फिर कब आओगे? उसने पूछा। 4-6 माह बाद। वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी पोस्टिंग पाकिस्तान में ही हो जाए, मगर अभी फ़िलहाल 1-2 साल तक उसका कोई इम्कान नहीं। 1.5-2 साल बाद जब पोस्टिंग यहाँ हो जाएगी तो काफ़ी आसानी हो जाएगी मुझे। अम्मी भी अकेली होती हैं, उनके बारे में भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। खत लिखते रहोगे ना? हाँ बिल्कुल, ये काम कैसे छोड़ सकता हूँ? सफ़ेद रंग अच्छा लगता है तुम पर, पहना करो। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगे। तुम्हें घर ड्रॉप करूँ या हमारे घर चलोगी? नहीं, मुझे घर ही ड्रॉप करो, काफ़ी देर हो गई है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी से घर पहुँच चुकी होती। आज तो तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी से किसी दोस्त के साथ चली गई थी, उसने उठते हुए कहा, फिर उसे ड्रॉप करने के बाद वापस घर आ गया था।